बस वही रफ्तार नई। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की किस्मत का फैसला एक बार फिर टल गया है। प्रभुनाथ सिंह विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में दोषी हैं। प्रभुनाथ सिंह सलाखों के पीछे पहुंचेंगे या आजाद घूमेंगे, इस पर अगला फैसला झारखंड हाईकोर्ट 24 मार्च को करेगा। प्रभुनाथ सिंह को निचली अदालत ने विधायक अशोक सिंह की हत्या के जुर्म में दोषी करार दिया था। अदालत ने पूर्व सांसद को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके खिलाफ प्रभुनाथ सिंह झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे। दरअसल मशरक के दिवंगत विधायक अशोक सिंह की पत्नी चांदनी देवी को पूर्व सांसद व आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह को फांसी की सजा मिलने की उम्मीद है। विधायक की पत्नी चांदनी देवी की लिखी एक चिट्ठी वायरल हुई थी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि मैं एक ऐसी अबला नारी हूं जो पिछले 25 सालों से पति और मशरक के तत्कालीन विधायक अशोक सिंह के हत्यारे को फांसी दिलाने की जंग लड़ रही हूं। मेरी जंग अब भी अधूरी है। चांदनी देवी ने चिट्ठी में लिखा था कि उनके पति अशोक सिंह ने हत्या के दिन ही तत्कालीन डीजीपी और सारण के एसपी को पत्र लिखकर प्रभुनाथ सिंह द्वारा हत्या किए या कराए जाने की आशंका जताते हुए सुरक्षा की मांग की थी। हजारीबाग की अदालत ने 18 मई 2017 को पूर्व सांसद और आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह को 25 वर्ष पूर्व हुए विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। अदालत ने दोषी करार दिए जाने के बाद प्रभुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। हजारीबाग जिले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को मामले में दोषी ठहराया था। मीडिया में छपी खबर के मुताबिक अशोक सिंह के भाई तारकेश्वर सिंह ने मीडिया को बताया था कि उनके भाई ने 1995 में प्रभुनाथ सिंह को चुनाव में हरा दिया था। इसके बाद प्रभुनाथ सिंह ने खुले तौर पर कहा था कि अशोक सिंह को विधायक बनने के 90 दिनों के भीतर मार दिया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि 90 दिन बाद 3 जुलाई 1995 को पटना में अशोक सिंह को सरकारी आवास में बम मारकर मौत की नींद सुला दी गई थी। अशोक सिंह की हत्या के बाद उनकी पत्नी चांदनी देवी ने प्रभुनाथ सिंह और उनके दो भाइयों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार से झारखंड की हजारीबाग अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। बता दें, अशोक सिंह 1995 में बिहार में मशरक विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। उन्होंने प्रभुनाथ सिंह को हराया था। चुनाव जीत के 90 दिन बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। 1995 में प्रभुनाथ सिंह जनता दल में थे। बताते चलें, प्रभुनाथ सिंह का शुमार बाहुबली नेताओं में किया जाता है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।